जय माता दी भक्तो, आज हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं जम्मू में स्थित श्री माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। वैष्णो देवी मंदिर जो कि देश के पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है, जम्मू में कटरा से लेकर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे रितु का पर्वत पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, 108 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर श्रद्धालु भारी मात्रा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो माता रानी के भक्तों, तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हम लोग आपको जानकारी देंगे कि आप लोग श्री माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हो, दिल्ली से माँ वैष्णो देवी कटरा ट्रेन कार या बाइक से कैसे जा सकते हो, RFID कार्ड जिसको की यात्रा पर्ची भी बोलते हैं, उसके बिना हम लोग यात्रा शुरू नहीं कर सकते, लोकल रूम कहाँ मिलेगा, यात्रा कैसे शुरू करें, घोड़ा खच्चर या पालकी कहाँ से लें। जो भी श्रद्धालु पैदल चल के नहीं जा सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप यात्रा करने आ रहे हो तो कम से कम सामान लेके आए क्योंकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। आपका ज्यादा लगेज होगा तो आपको यात्रा करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हर दुकान पे आपको डंडे या ऐसी सोटियां मिल जाएंगी जो कि यात्रा करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसका कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपए। जब आप यात्रा करके वापिस आओगे तो किसी भी दुकान पे आप ये सोटियां या फिर डंडे आप उनको दे के 10 रुपए वापिस ले सकते हो। आने की क्या सुविधा है और कटरा आने के फ्री कहाँ पर रह सकते हैं, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो मोस्टली दिल्ली से ही सारी ट्रेन चलती है, उसकी टाइमिंग और उसका प्राइस मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने हिसाब से अपनी ट्रेन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक की है तो रेलवे स्टेशन से बाहर आके आपको बसेस मिल जाएंगी, तो वो आपसे कॉस्ट करेंगे 100 रुपया सिंपल का और 150 रुपया AC का पर पर्सन। तो बस आपको लेके आ जाएगी 2 घंटे में कटरा। तो 2 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, इतना मस्त मस्त व्यू आता है ना। तो कटरे बस वाला आपको एक ग्राउंड में उतारेगा, तो वहाँ पर आप लोकल किसी से भी पूछ के फुवारे वाले चौक जा सकते हो। तो ग्राउंड से फुवारे वाला चौक आधा किलोमीटर भी नहीं है। अगर आप ऑटो पे जाना चाहते हो तो वो आपसे 100 या 150 रुपए ही चार्ज करेंगे, वो भी आपको फुवारे वाले चौक उतार देंगे। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते बाय रोड आना चाहते हो तो आपको 665 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। आप अपनी बाइक या गाड़ी की एवरेज के हिसाब से पेट्रोल खर्चा खुद ही देख लेना। तो कटरा स्टेशन से 80 रुपए दे के हम लोगों को चले जाना है कटरा बस स्टैंड। तो ऑटो वाले ने मेरे को उतार दिया है एक चौक में, तो सामने मेरे को नजर आ रहा है एक यात्रा पर्ची ऑफिस। तो चलो चलते हैं अपनी यात्रा पर्ची बनाने, जिसको की RFID कार्ड भी बोलते हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक ही चीज जो कि है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड दे के हमारा RFID कार्ड बन चुका है, ये जिसको कि हम लोग यात्रा पर्ची भी बोलते हैं, वो हमारी बन चुकी है जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब यात्रा पर्ची लेने के बाद हम लोगों को जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि जो हम लोग जा सकते हैं ऑटो से, जो कि 150 से 200 रुपए चार्ज करेंगे। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि ट्रैक करके कटरा की मार्केट एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि कटरा से लगभग आधा किलोमीटर है। जब हमारी यात्रा करने के लिए एंट्री होगी तो सबसे पहले वहाँ पर जो ऑफिसर खड़े हैं वो हमारा करेंगे RFID कार्ड चेक। स्किंग पॉइंट पे हमारे लगेज चेक होंगे, तो स्कैन होने के बाद हमारी शुरू होती है श्री माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा। जयकारा ला के हम लोग करते हैं श्री माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू। जय माता दी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यात्रा शुरू करते ही एक लाइन सी मिलती है, तो ये लाइन वो होती है जब हम लोग यात्रा करके वापिस आते हैं तो RFID कार्ड हम लोगों को इनको देना होता है, तो इसलिए इतनी भीड़ है। इसके बाद आगे आते ही हम लोगों को घोड़े खच्चर और पालकी के प्राइस दिखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आगे चलते ही आपको 2 रास्ते दिखे, एक तारागोड़ मार्ग, एक तारागोड़ मार्ग वो रास्ता है जो कि नया बना है। हम लोग पुराने रास्ते से ही चलेंगे जो कि हिमकोटी है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद हम लोगों को दिखते हैं बालगंगा। तो बालगंगा इसको इसलिए बोला जाता है, तो जब हनुमान जी ने बोला था कि इतने घने जंगल में मैं यहाँ पर पानी के बिना कैसे रहूंगा, तो माता जी ने बाण मार के यहाँ पर गंगा प्रकट की, तो इसको बाण गंगा बोला जाता है। तो माता जी ने अपने यहाँ पर केस भी धोए थे, तो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। तो थोड़ी आगे जाने के बाद उसके बाद हम लोगों को दिखते हैं चरण पादुका। चरण पादुका के मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। तो चलते हैं अभी हम लोग इसके इतिहास की तरफ। तो इसका इतिहास ये है कि जब भैरव बाबा जी माता का पीछा कर रहे थे तो माता एक जगह पर एक पत्थर पर खड़े होकर पीछे देखा था कि भैरव बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो वहां पर माता जी के चरण स्पष्ट हो गए, तो इसलिए इसको चरण
पादुका मंदिर बोला जाता है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोगों को दिखता है व्यू पॉइंट। यार इतना मस्त व्यू आ रहा था ना, यहाँ से आपको सारा कटरा दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ढाबे मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो लेकिन यार आप लोग चिंता मत करो, तो आप लोगों को श्राइन बोर्ड के द्वारा भी भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में खाना और चाय मिल जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, मेरे को दो रास्ते नजर आते हैं, एक सीढ़ियों वाला और एक प्लेन, जहाँ पर तो मैं चल ही रही थी तो मैंने चूज किया सीढ़ियों वाला रास्ता। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, हम लोग प्लेन रास्ता लें या फिर सीढ़ियों वाला लें। श्राइन बोर्ड के द्वारा गाए गए बोर्ड पे भी यही लिखा है कि अगर आप यंग हो या फिर आपकी सेहत बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो तभी सीढ़ियों वाला रास्ता लें, नहीं तो सीधे रास्ते पर जा रहे हो वैसे ही आप सीधे रास्ते पर चलते जाओ। अगर आप व्यू एंजॉय करते करते अर्धकुमारी पहुंचना चाहते हो तो फिर आपको सीढ़ियों वाला रास्ता ही लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो आपको यही है कि आप लोग सीढ़ियों वाला रास्ता लो, क्योंकि वहां से यार बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आता है और जल्दी जल्दी से आप अर्धकुमारी पहुंच भी जाते हो। तो अर्धकुमारी पहुंचते ही हम लोगों को दिखते हैं बहुत सारे ढाबे। यहाँ पर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, आप लोग भी टेंशन मत लो, यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए गए भोजनालय हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 7 रुपए की चाय और 40 रुपए के राजमा चावल लिए। ये राजमा चावल अकेला बंदा नहीं खा सकता, इसको खाने के लिए 2 बंदे चाहिए। तो आगे आने के बाद आप लोगों को भगवती भवन दिखेगा, तो भगवती भवन के नीचे ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो अपने लगेज यहाँ पर जमा करवा लेना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रहने की। तो यहाँ पर आपको डोरमेंट्री मिल जाएगी जो कि 180 रुपीज की है, और 500 रुपए का रूम भी मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग की कटरा से ही होगी, जहाँ से हमने RFID कार्ड लिया था वहीं से। अगर आप फ्री में रहना चाहते हो तो आपको भगवती मंदिर के ऊपर ही ना आपको बड़े हॉल मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चादर लगा के सो सकते हो। अगर आप अर्धकुमारी में गर्भ गुफा के दर्शन करना चाहते हो तो आपको एक दिन पहले ही उसकी स्लिप कटवानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन बाद ही उसकी टर्न आती है। रात को हम लोग अर्धकुमारी में ही रुके थे। आप लोग भी अर्धकुमारी स्टे करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर कंबल काउंटर मिल जाएगा। एक कंबल का प्राइस है 100 रुपए, तो एक बंदे को 5 कंबल ही मिलते हैं जिसका प्राइस होता है 500 रुपए। तो सुबह अगर आपको कंबल की जरूरत ना हो तो कंबल काउंटर पर कंबल दे के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। आप लोग गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हो तो वहाँ पर 24 या 48 घंटों की वेटिंग रहती ही रहती है। अगर आप लोग भी गर्भजून के दर्शन करना चाहते हो तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि पहले आप भवन होके भैरव बाबा जी के दर्शन करके फिर आपकी शायद ही टर्न आ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी वेटिंग चलती है। जब हम लोग गए थे तो हम लोगों को पूरा एक दिन वेट करना पड़ा था। तो अर्धकुमारी से 2 रास्ते निकलते हैं माता रानी के भवन को। एक तो ये है जहाँ पर गुफा बनी है, इसको बोलते हैं नया रास्ता। तो ये वाले रास्ते पे आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम लोग ही मिलेंगे। इसको हम लोग तारागढ़ मार्ग भी बोलते हैं, जिसकी चढ़ाई की बहुत ही ज्यादा कम। तो ये तो हो गया नए रास्ते की बात, अभी हम लोग करते हैं पुराने रास्ते की बात, जो कि हाथी मत्था मार्ग को होके जाता, जो कि भवन को जाता है। अगर आप लोग ज्यादा थक चुके हो तो आप लोग नए रास्ते को भी चूज कर सकते हो, जो कि तारागढ़ मार्ग। तो तारागढ़ मार्ग वाले रास्ते पे आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। अगर आप लोग हाथी मत्था मार्ग से जाना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी शॉप मिलेगी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि माता रानी के भवन जा रहे होंगे। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने रास्ता लिया है हाथी मत्था मार्ग वाला रास्ता लिया है, जिसको कि पुराना रास्ता भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि बैटरी कार कहाँ से ले सकते हो, रोप वे की सुविधा क्या है और हेलीकॉप्टर आप कैसे बुक कर सकते हो। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी कार की। तो आप बैटरी कार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से बुक कर सकते हो, जो कि अर्धकुमारी से भवन तक और भवन से अर्धकुमारी तक ही चलती है। तो अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर की आपको बुकिंग कटरा से करवानी पड़ेगी, तो जो कि आपको माँ वैष्णो देवी भवन तक पहुँचा देगा। तो अभी बात करते हैं इसके फेयर की। तो एक तरफ का 1900 रुपीज है और दोनों तरफ का 3800 रुपीज। तो ये इन्फॉर्मेशन देते देते हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी जी के भवन में। तो अभी हम लोग आपको बताते हैं कि आप लोग अंदर दर्शन करने कैसे जा सकते हो। तो आपकी बेल्ट, वॉच या मोबाइल, ये कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए अपना सारा लगेज लॉकर रूम में जमा करवा के ही जाना, ताकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग एक चीज तो बताना भूल ही गए, तो आप भवन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लेके जा सकते, तो वो वाला सारा सामान आप लॉकर रूम में जमा करवा सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं भवन के अंदर दर्शन करने के टाइमिंग। तो दर्शन करने के लिए आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अगर आप भवन पर नाइट स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 धर्मशाला मिल जाएंगी। तो एक धर्मशाला में आपको रूम भी मिल जाएगा और दूसरी धर्मशाला में आपको डोरमेंट्री की सुविधा भी मिल जाएगी, तो जिसका की फेयर है 120 या 150 रुपए। अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हो वो 700 से 1500 रुपए में पड़ेगा, जिसकी की ऑनलाइन ही बुकिंग होती है, चाहे आप डोरमेट्री की करवाओ चाहे आप रूम की करवाओ।
अगर आप लोग यहाँ पर फ्री रहना चाहते हो तो भवन के साथ ही आपको बहुत सारे हॉल मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लोग नाइट स्टे कर सकते हो, तो हॉल के साइड में ही आपको कंबल भी मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोगों ने भवन के दर्शन तो कर लिए, तो अब बात करते हैं बैरोगाटी की। तो बैरोगाटी भवन से 2 किलोमीटर दूरी, तो बैरोगाटी जाने के लिए भी आपके पास दो रास्ते हैं, एक है रोप वे और एक है सिंपल वाला रास्ता। अगर आप लोग रोप वे लेना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। जब तक आपकी रोप वे की टर्न आएगी तो अब तक आप पैदल ही ट्रैकिंग करके बैरोगाटी पहुंच जाओगे। तो जब हम लोग बैरोगाटी की ओर पर स्नान करेंगे तो हम लोगों को श्राइन बोर्ड के द्वारा भोजनालय और बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। हम लोग थोड़ी सी आगे जाएंगे तो ना ही श्राइन बोर्ड के द्वारा कोई भी भोजनालय मिलेगा और ना ही कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, बस सुंदर सुंदर नजारे ही। लेकिन ये 2 किलोमीटर का रास्ता एकदम सीधा है, ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ में करते हैं, जय माता। ट्रैकिंग करते करते हम लोगों को सीढ़ियों वाला रास्ता भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों की सेहत बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो फिर ही सीढ़ियों वाला रास्ता लें। श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाए हुए बोर्ड पे भी यही लिखा है, अगर आपकी सेहत बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो फिर ही सीढ़ियों वाला रास्ता लें, वरना ना लें। जो रास्ते पे आप जा रहे हो वही रास्ते पे चलते जाओ। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोग बैरोगाटी पहुंच चुके हैं। तो बैरोगाटी पहुंचते ही सबसे पहले आपको भेंट शॉप दिखती है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग चढ़ते हैं बैरोगाटी के दर्शन करने, जय माता दी। तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। तो अगर आप लोग श्री माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हो तो आप भैरव बाबा जी के भी जरूर दर्शन करना, उसके बिना आप लोगों की यात्रा सफल नहीं होगी। तो माता जी के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी।